की। बोलिए भारत माता की। जरा आवाज जोर से आनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू अध्यक्ष श्री सीआर पाटिल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाई विजय भाई रूपानी जी, हमारे राजकोट की मेयर बहन श्री नैनाबेन पेदरदी जी, राघव भाई पटेल जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया जी, हमारी कैबिनेट की मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में मेरे साथी श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी, राज्यसभा में मेरे साथी राम भाई मोकरिया जी, लोकसभा में संसद में मेरे साथी विनोद चावड़ा जी, मुकेश दोषी जी, मोहन भाई कुंडारिया जी, हमारे पूर्व सांसद उदय भाई जी, रमेश भाई तिलाला जी, डॉक्टर दर्शिता शाह जी, भरत बोगरा जी, श्रीमती बीनाबे आचार्य जी, नरेंद्र सिंह जडेजा जी, अश्विनी भाई मुलैया जी, हमारे वीरेंद्र शाह झाला जी, डॉक्टर माधव दवे जी, सभी मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेतृत्व, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में, मैं सबसे पहले अपने आदरणीय नेता वरिष्ठ नेता वजूभाई वाला जी को नमन करता हूं जो यहां आज मंच पर उपस्थित हैं और यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित देवी और सज्जनों, मेरे स्कूल और कॉलेज के छात्र साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे गुजरात के तपस्वी भूमि, संतों की भूमि, समाज सुधारकों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानी की भूमि और जिस मिट्टी से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसी भूमि गुजरात में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले तो इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जब मैं ये कहता हूं कि यह संतों की भूमि है, ये समाज सुधारकों की भूमि है, ये हमारे आंतरिक चेतना को चेतन अवस्था में लाने वाली भूमि है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है कि इस धरती ने अनेकों संत महात्माओं को जन्म दिया, उनकी ये कर्म भूमि रही और साथ ही साथ समाज के सुधारकों को भी इस भूमि ने प्रफुल्लित किया है, ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज जब हम ये तिरंगा यात्रा में निकले हैं और हर जगह हमें तिरंगा ही तिरंगा देख रहा है, तो हमें आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो कालखंड भी याद आता है। और जब मैं उस कालखंड की बात करता हूं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि गुजरात का बहुत बड़ा योगदान
आज के इस भारत के आजाद भारत की तस्वीर को स्थापित करने में गुजरात का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो ये वीर भूमि, ये संतों की भूमि, ये आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों की भूमि कभी भी, और ये देश कभी भी महात्मा गांधी के योगदान को भुला नहीं सकता है। वो महात्मा गांधी जिसने हमें आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया, और ये हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी का संबंध भी इसी गुजरात की पवित्र भूमि से जुड़ता है जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना योगदान किया। आज के दिन हम सरदार पटेल को नहीं भूल सकते, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं भूल सकते। मित्रों, ये कहना आसान है लेकिन याद करो, यह देश जब आजाद हो रहा था तो 562 रियासतों में बटा हुआ राष्ट्र था, बटा हुआ देश था। कितने? 562 रियासत, 562 रियासत। और 562 रियासतों को जोड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसी गुजरात की मिट्टी से पैदा हुए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के 2 साल के अंदर 562 रियासतों को एक साथ जोड़ करके मेरा भारत महान ये बना करके दिखाया। ये हम सबके सामने इस बात का साक्षी है, 562 राज्य। और मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी, उनका भी संबंध इस पवित्र माटी से जुड़ता है जिन्होंने इस देश को अमृत काल से लेकर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प लिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया इन द मेकिंग और इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन, इंडिया एज ए नेशन, इसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो तिरंगा यात्रा है, आज इसकी शुरुआत मुझे यहां राजकोट से करने को मिल रही है, कल सूरत में, आगे चल करके वडोदरा में और अहमदाबाद में इस तरीके की बड़ी बड़ी विकास यात्राएं निकलेंगी और तिरंगा यात्रा निकलेगी। लेकिन ये तिरंगा यात्रा तालुक तक पहुंचेगी, मंडल तक पहुंचेगी, हर तालुक में जाएगी, और हमारा तिरंगा यात्रा का क्रम 15 अगस्त तक चलता रहेगा, और तिरंगा हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। इसके लिए आप सब लोग लगे हैं, इसको मैं आप सबके इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं विशेष करके युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं, मैं विशेष करके युवा साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि मित्रों, ये आजादी हमको आसानी से नहीं मिली है। मित्रों, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है। इस आजादी को पाने के लिए हमारे हजारों नौजवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, जीवन का बलिदान दिया है। हमारे लाखों परिवारों ने आजादी की लड़ाई में अपने आप को आहूत कर दिया। हमारे लाखों परिवारों ने न सुख देखा, न चैन देखी, न दिन देखा, न रात देखी, सिर्फ अपने भारत को, मां भारती को आजादी दिलाने के लिए उन लोगों ने हर तरीके से योगदान दिया है, और इसी कारण से आज हमारा भारत आजाद हुआ है। आज ये समय है, आज ये मौका है। मैं देख रहा था कि गांधी जी के रूप में, सरदार पटेल के रूप में कुछ लोग यहां पर आए हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं जो उनके माध्यम से लोग गांधी जी को याद करेंगे, सरदार पटेल को याद करेंगे, अपने इतिहास को याद करेंगे, किस तरीके से देशभक्ति के साथ ओतप्रोत होकर के
इस देश को आजादी दिलाने के लिए लोगों ने काम किया, लोगों ने अपना दिन रात एक करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और अंग्रेजों को मजबूर किया कि वह भारत छोड़े। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं 9 अगस्त जो कल बीता है उसको भी भारत भूल नहीं सकता। जब महात्मा गांधी ने कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कल 9 अगस्त का दिन, वो पवित्र दिन जिस दिन महात्मा गांधी ने कहा भारत छोड़ो, और ये नारा नहीं रहा, ये घर घर की आवाज बन गई और घर घर ने इस बात को अंग्रेजों को चुनौती दी कि भारत हमारा देश है और भारत अंग्रेजों को छोड़ना होगा, और भारत छोड़ो आंदोलन चला था। एक के बाद एक आंदोलन चले, और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं अगर भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ होता तो सन 47 को 15 अगस्त को आजादी नहीं होती और 15 अगस्त का दिन नहीं होता। ये आजादी मिलने में भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है और उसके माध्यम से देश आजाद हुआ। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, एक नए नए आयाम को छू रहा है, और हम नौजवानों को यहां पर हमारे जो तिरंगा यात्रा में आए हुए हमारे बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे आए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर ये अमृत काल का उपयोग करके 2047 जो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखना है, भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनेगा, ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको हमको पूरा करना। अगर हमारे वीर जवानों ने बलिदान देकर देश को आजादी दिलाई, अगर हमारे वीर जवानों ने देश के सरहद पर बलिदान दे करके देश को सुरक्षित रखा, तो ये हम सब लोग यहां जो सुरक्षित और सुकून में जीवन आजादी से जी रहे हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस आजादी का सदुपयोग करते हुए कोई कसर ना छोड़े और इस अमृत काल में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दें, इस बात का हमको संकल्प लेना चाहिए, यही तिरंगा यात्रा की आत्मा है। मित्रों, अगर मैं आपको यहां आंकड़े गिनाने लगूं विकास के तो उसमें शाम हो जाएगी, लेकिन विकास के आंकड़े समाप्त नहीं होंगे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में जब दुनिया की आर्थिक शक्तियां लड़खड़ा रही हैं, जब दुनिया के विकसित देश की आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो आज से 10 साल पहले 2014 में 11वें नंबर पर खड़ा था, आज छलांग लगा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन करके हम सबके बीच में है, और इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस तिरंगा यात्रा में संकल्प लें कि अगले 3 साल में भारत को हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। मित्रों, एक समय था जब चीन से हम आयरन का ओर लिया करते थे, जब हम विदेश से अपने स्टील की रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे, आज भारत दुनिया में 4थे नंबर के देश से छलांग लगा करके 2रे नंबर का स्टील प्रोडक्शन में हो गया है, स्टील के प्रोडक्शन में 2रे नंबर पर देश खड़ा है। आज भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में आज भारत जापान को पछाड़ करके 3रे नंबर का देश बन गया ऑटोमोबाइल मार्केट में। आप लोग जो अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं, मैं बार बार बोलता हूं
ये मोबाइल 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, इस पर लिखा होता था मेड इन ताइवान, इस पर लिखा होता था मेड इन इंडोनेशिया, इस पर लिखा होता था मेड इन जापान, इस पर लिखा होता था मेड इन ऑस्ट्रेलिया। आज आप अपना मोबाइल उठा करके देखो, इस पे लिखा है मेड इन इंडिया। 97% मोबाइल आज भारत में बन रहा है, 97% मोबाइल। एक समय था जब हम रक्षा के लिए विदेशों से सामान मंगवाते थे, हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, हम बुलेट प्रूफ जैकेट भी बाहर से मंगवाते थे। हमारे सरहद पर लड़ने वाले नौजवान, मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं, मैं बॉर्डर स्टेट से आता हूं, हमारे जवान जो लड़ा करते थे उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, और आज हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट तो है ही है, अब हम दुनिया को बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं। ये आज भारत की बदलती तस्वीर है। आज हम भारत जो रक्षा के सौदे में घोटालों में जाना जाता था और घोटाले पे घोटाला करता था, आज भारत में रक्षा में बहुत बड़ा हिस्सा, आज भारत अपना मेक इन इंडिया के तहत आज भारत में रक्षा के जो हमारे उपकरण है वो बन रहे हैं। आज फाइटर जेट्स बनाने का काम भारत कर रहा है, आज हेलीकॉप्टर बनाने का काम भारत कर रहा है, आज ऑटोमेटिक वेपन्स बनाने का काम भारत कर रहा है। आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए हर तरीके से तैयार है, और यह सब काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और इसीलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके आह्वान को साक्षात करने के लिए आप सब बच्चों ने 2047 देखना है, आप देखोगे और आपके प्रयास से भारत 2047 में विकसित भारत डेवलप्ड नेशन के रूप में खड़ा होगा, ये सपना हमारा साकार होगा और इसमें आपका योगदान होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आज के शुभ अवसर पर मैं कोई विपक्ष पर टिक्का टिप्पणी करूं इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इन राष्ट्रभक्तों को और ये कांग्रेस के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, अरे कांग्रेस के मित्रों, भूल मत जाना, इस आजादी की लड़ाई में सरदार पटेल का योगदान देश भुला नहीं सकता, देश कभी भूल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे चश्मे में एक ही परिवार दिखता है, एक ही परिवार दिखता है, एक ही परिवार दिखता है। तुम भूल जाते हो चंद्रशेखर आजाद का योगदान, तुम भूल जाते हो भगत सिंह का योगदान, तुम भूल जाते हो राजगुरु का योगदान, तुम भूल जाते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान, तुम भूल जाते हो लाखों लोगों का योगदान और लाखों नेताओं का योगदान जिन्होंने भारत की मिट्टी को अंग्रेजों से आजाद दिलाने के लिए अपना जीवन खपा दिया। तुम्हें याद रहता है तो सिर्फ एक परिवार याद रहता है, सिर्फ एक परिवार याद रहता है। मित्रों, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में जिस लौ पुरुष ने 562 राज्यों को, रियासतों को जोड़ करके ये महान भारत बनाया, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस का एक भी नेता आज दिन तक फूल चढ़ाने के लिए वहां केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में नहीं गया। ये इतने छोटे विचार के, ये इतने छोटे मन के, ये भारत यात्रा को जोड़ने में लगे हैं। अरे जिसने भारत को जोड़ा उसको नमन करने के लिए तो आ जाओ, कभी तो एक बार गुजरात में आ जाओ, हमारे गुजरात में कभी तो केवड़िया में आ जाओ और कभी तो दो फूल चढ़ा दो उस
लौह पुरुष को, उस सरदार पटेल को जिसने देश को भारत जोड़ो यात्रा करने वाले लोग याद रखो कि भारत को जोड़ने में कितना बड़ा योगदान हमारे सरदार पटेल का था। इसलिए मित्रों मैं एक ही बात कहूंगा, ये नकली राष्ट्रभक्त, ये नकली राष्ट्रभक्ति दिखाने वाले लोग, ये राजनीति के चश्मे से देश को देखने वाले लोग, ये राजनीति के खातिर समाज को बांटने वाले लोग, ये समाज को तोड़ करके अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग, ये भारत की जनता और ये हमारे नौजवान, इनको दूध का दूध और पानी का पानी बताएंगे और सच्चाई बता करके इनको रहेंगे कि क्या सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में और सभी नेताओं के नेतृत्व में आज मोदी जी के आशीर्वाद से गुजरात एक लंबी छलांग लगा करके आगे बढ़ रहा है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम जब तिरंगा यात्रा में निकले तो अपने मन में एक संकल्प ले लें कि हमको इस गुजरात को, हमें अपने गुजरात को, हमें अपने देश को आगे ले जाना है और विकसित भारत में अपने आप का योगदान करना है। मेरे ख्याल से तिरंगा यात्रा की सही आत्मा और तिरंगा यात्रा का सही मकसद और तिरंगा यात्रा का सही उत्सव तभी हम मना सकेंगे जब हम संकल्प को पूरा करेंगे और वो है विकसित भारत। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे कॉलेज से आए हुए बच्चे और हम सब लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के इस संकल्प को और दृढ़ करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं बातों के साथ, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस तिरंगा यात्रा में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। श्री नड्डा जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें विनंती करिए आज ना कार्यक्रम अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री